हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है मैं आईटीआई से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि एक मंथ जो है हमारे बच चुके हैं एग्ज़ाम के लिए, तो हम जो है तैयारी करते हैं। आज से जो है मैं आपके लिए थ्योरी मशीनिस्ट ट्रेड थ्योरी के कुछ कुछ क्वेश्चन लेकर आए इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है वो है, सतह पीसने वाली मशीन कौन सा भाग कॉलम पर लगा होता है और इसे लंबवत रूप से ऊपर और नीचे ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे, आधार है, तालिका है, सैडल है और पहिया सिर है। तो इसका आंसर है हमारा पहिया सिर जो है, इसको जो है हम ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, मतलब ठीक है। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है टू हमारा, पीसने में कटिंग व्हील बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड उपयोग करता है। तो यहाँ पर बॉन्ड बताना है आपको कौन सा उपयोग करते हैं अगर हम पीसते हैं तो। बंधन बंद है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं इसके। तो इसका जो है हमारा आंसर है वो हो जाएगा हमारा थ्री, रबड़ का बंधन बदन जो है उपयोगी आता है, रबड़ का बंधन ठीक है पीसने में कटिंग व्हील। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री, कार्बन स्टील जैसे उच्च तन्यता ताकत सामग्री को पीसने के लिए किस प्रकार के अपघर्षण का उपयोग किया जाता है उच्च गति स्टील्स में। तो इसका आंसर जो है आपको बताना है, तो इसका आंसर है हमारा टू, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इसका हम उपयोग करते हैं ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा फोर, सतह पीसने की मशीन के किस मुख्य भाग में एक ड्राइविंग जो है तंत्र है। तो ड्राइविंग जो तंत्र है वो होता है आधार, आधार जो होता है जिसके अंदर ड्राइविंग तंत्र होता है, मुख्य एक भाग होता है पीसने वाला ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है फाइव, आंतरिक बेलनाकार पीसने से किस प्रकार की सतह का निर्माण होता है। जब हम आंतरिक बेलनाकार जो है हम पीसते हैं ग्राइंड करते हैं तो उसमें कौन सा जो है सतह का निर्माण होता है। तो इसका आंसर है हमारा गोल छेद का निर्माण होता है ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है सिक्स, यदि मिलिंग की सतह खराब है और कटर जल्दी से खराब हो सकता है तो क्या कारण है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से, ये जितने मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ अच्छी तरीके से आप पढ़ लें या रट लें ताकि आपके जो है क्वेश्चन एक भी छूटे नहीं। तो इसका जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा वन, कम परिष्कृत भत्ता ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा सेवन जो है, कौन सी संपत्ति धातु को टूटे बिना तन्य बलों के साथ सक्षम बनाती है। तो इसका आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा वन, टेंसिटी ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट है हमारा, क्रेन हुक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अधिक उपयुक्त है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आठ, लोहा एक ऐसा धातु है जिसका उपयोग क्रेन के हुक बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन है, पीस व्हील के अंकन में इन फाइव से क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है इसमें से, तो आपका दर्शाता है अनाज का संरचना जो है आपको दर्शाता है ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन जो है, बाहरी माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है। जो बाहरी जो माइक्रोमीटर है उसका उपयोग आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर जो हमारा वो होता है फोर्थ, बाहरी माप के लिए, जो बाहरी माइक्रोमीटर का उपयोग है वो बाहर के जो माप होते हैं उनको लेने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो मेरा आपको जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे, अभी फ़िलहाल ये 10 है लेकिन आपके 25 क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊँगा, धीरे धीरे करके जो है आपके क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और बाकी जो भी कमी रह जाती है वो कमेंट में कर सकते हैं, और बाकी कोई भी CVT एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं।